इस वीडियो में हम चैप्टर 1 इलेक्ट्रिक चार्जर्स एंड फील्ड्स की एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 15 से सॉल्व करेंगे। इससे पहले के क्वेश्चंस की वीडियो का लिंक बच्चों आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। कंसीडर अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई इज इक्वल टू 3×10⁻³ आई कैप न्यूटन पर कूलम। बच्चों यहाँ पर हमको यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है और इसकी डायरेक्शन हमें अलॉन्ग एक्स एक्सिस गिवन है। ये यूनिट वेक्टर आई से हमें क्या पता चल रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज अलॉन्ग एक्स एक्सिस। ए पार्ट देखते हैं। व्हाट इज द फ्लक्स ऑफ दिस फील्ड थ्रू अ स्क्वायर ऑफ 10 सेंटीमीटर ऑन अ साइड हुज प्लेन पैरेलल टू द वाई जेड प्लेन। अब हमें यहाँ पर फ्लक्स फाइंड करना है एक स्क्वायर के थ्रू जिसकी साइड है 10 सेंटीमीटर और जिसका प्लेन पैरेलल है वाई जेड प्लेन के। तो इसको देख लेते हैं। ए पार्ट को पहले हम गिवन क्या है वो नोट कर लेते हैं। यहाँ पर हमको गिवन है इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू 3×10³ आई कैप न्यूटन पर कूलम। ये गिवन है और अलोंग एक्स एक्सिस है, ये हमें पता चल ही गया। और हमें यहाँ पर साइड गिवन है स्क्वायर की, साइड ऑफ स्क्वायर जो है वो कितनी है 10 सेंटीमीटर। तो इसको हम मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। 10×10⁻² आ जाएगा और फिर डिवाइड करके ये आ जाएगा 10⁻¹। ठीक है, ये हमारे पास मीटर में वैल्यू आ जाएगी साइड की। लिख देती हूँ -2 मीटर, तो उससे ये वैल्यू आ गई। अब हमको इस स्क्वायर के थ्रू फ्लक्स फाइंड करना है और ये किस तरीके से रखा हुआ है वो देख लेते हैं कि यहाँ ये तो है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अलॉन्ग एक्स एक्सिस और इधर हम मान लेते हैं कि ये है वाई एक्सिस। ठीक है, तो अब यहाँ पर इस तरीके से रखा हुआ है ये जो स्क्वायर है कि वाई जेड प्लेन के पैरेलल है। ये गिवन है ना हमें क्वेश्चन में कि वाई जेड प्लेन के पैरेलल रखा हुआ है। ये है x एक्सिस, ये y एक्सिस, z एक्सिस इस डायरेक्शन में आ गया ना, अपवर्ड डायरेक्शन में। तो वाई जेड प्लेन कौन सा हुआ, ये वाला प्लेन। तो ये वाई जेड प्लेन में सपोज ये ऐसे एक शीट रखी हुई है, ये स्क्वायर रखा हुआ है वाई जेड प्लेन में, वाई जेड प्लेन के पैरेलल ऐसे इस तरह से रखा हुआ है। तो बच्चों एरिया वेक्टर की डायरेक्शन की ज़रूरत पड़ेगी हमें फ्लक्स के लिए, क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है फ्लक्स का, ए पार्ट में हमको फ्लक्स फाइंड करना है ना। तो फ्लक्स फाई इज इक्वल टू क्या होता है, ई ए कॉस थीटा, ये होता है। अब ई की वैल्यू भी है हमारे पास और इसकी हेल्प से हम साइड की हेल्प से एरिया भी फाइंड कर लेंगे, थीटा की वैल्यू हमें देखनी है। तो यहाँ पर थीटा क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में एंगल। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन तो ये है ही हमारे पास कि इस डायरेक्शन में। अब एरिया वेक्टर और देख लेते हैं कि ये शीट ऐसे रखी हुई है वाई जेड प्लेन के पैरेलल, तो जो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन होती है वो क्या होती है, सरफेस के परपेंडिकुलर। तो ये डायरेक्शन एरिया वेक्टर की हो गई, तो एरिया वेक्टर भी इलेक्ट्रिक फील्ड की ही डायरेक्शन में आ गया, इसलिए थीटा की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ पर 0°। अब हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, यहाँ पर वैल्यूज रख देते हैं। तो फाई इज इक्वल टू ई की वैल्यू 3×10⁻³ और एरिया हम इससे फाइंड कर लेंगे साइड से, तो 10⁻¹ का स्क्वायर, साइड का स्क्वायर हो गया ये, और कॉस थीटा मीन्स कॉस 0°। तो 3×10⁻³×10⁻², और ये वैल्यू कितनी हो गई 1। तो ये हमारे पास आ जाता है। अब यहाँ पर 10⁻³ और 10⁻², कितना आ गया 10, 10 की मल्टीप्लाई 3 में, तो ये 30 आ गया। तो यहाँ जो फ्लक्स है हमारे पास ये आ गया 30 Nm² ⁻¹. तो ये फ्लक्स की वैल्यू आ गई ए पार्ट के लिए बच्चों। अब बी पार्ट देखते हैं। बी पार्ट है, व्हाट इज़ द नेट फ्लक्स थ्रू द सेम स्क्वायर इफ़ द नॉर्मल ऑफ इट्स प्लेन मार्क्ड एज 60° एंगल विद द एक्स एक्सिस। अब ये जो यहाँ हमें ये गिवन था इस तरह से, ये ऐसे हमें ये प्लेन दिया हुआ था ना, तो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन इधर थी। अब हमें बोला है कि ये इस तरीके से हो गया है ऐसे कि अब जो एरिया वेक्टर है वो एक्स एक्सिस के साथ 60° का एंगल बना रहा है, नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर। तो ये जो परपेंडिकुलर है वो ऐसे अब इस तरह से हो गया है कि x एक्सिस के साथ 60° का एंगल बना रहा है।
ये एंगल हमको 60 डिग्री गिवन है यहाँ पर, ठीक है। तो अब थीटा की वैल्यू कितनी हो गई, 60 डिग्री हो गई। तो अब हम फ्लक्स देख लेते हैं कितना हो जाएगा, फाइ इज इक्वल टू ई ए कॉस थीटा। ई की वैल्यू तो वही रहने वाली है 10^3, और यहाँ पर ए की वैल्यू ये भी वही रहेगी 10^-2 आ जाएगी, और यहाँ आ जाएगा कॉस 60 डिग्री। तो इसकी वैल्यू तो भी हमने जस्ट फाइंड की है, ये 30 आ गई, कॉस 60 की वैल्यू 1/2। तो इस तरह से हमारे पास अब जो फ्लक्स की वैल्यू आ जाती है वो कितनी आ गई, 15 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। तो अब फ्लक्स ये आ जाता है। तो बच्चों यहाँ पर हम देख सकते हैं फॉर थीटा इज इक्वल टू 0 फ्लक्स की ये वैल्यू है, और जब थीटा की वैल्यू 60 डिग्री हो गई तो फ्लक्स डिक्रीज हो गया है। मीन्स इस वाली कंडीशन में ये ऐसे रखा हुआ था तो मैक्सिमम नंबर ऑफ फील्ड लाइन इससे पास हो रहे थे, पर जब इसको ऐसे रोटेट करते हैं तो क्या होता है, इससे पास होने वाली फील्ड लाइंस का नंबर डिक्रीज होता चला जाता है, मीन्स फ्लक्स डिक्रीज हो जाता है। और अगर इसको ऐसे कर देते तो क्या होता, अब फ्लक्स की वैल्यू 0 हो जाती। तो ये क्वेश्चन नंबर 15 बच्चों। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट इज़ द नेट फ्लक्स ऑफ द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ एक्सरसाइज 1.15 थ्रू द क्यूब ऑफ साइड 20 सेंटीमीटर ओरिएंटेड सो दैट इट्स फेसेस आर पैरेलल टू द कोऑर्डिनेट प्लेन्स। अब यहाँ पर हमें क्वेश्चन नंबर 16 में बोला है कि जो क्वेश्चन नंबर 15 में है इलेक्ट्रिक फील्ड, उसी तरीके से लेनी है, मीन्स यही डायरेक्शन लेनी है इलेक्ट्रिक फील्ड की। और यहाँ पर ये ऐसे हमने ये वाई एक्सेस लिया हुआ है, अब यहाँ पर हम जेड एक्सेस और ले लेते हैं क्योंकि अब क्यूब की बात है। तो इस फील्ड में एक क्यूब को ऐसे रखा हुआ है, इस तरीके से ऐसे रखा हुआ है, मीन्स जो क्यूब के फेसेस हैं वो ये जो कोऑर्डिनेट प्लेन्स हैं इनके पैरेलल हैं। जैसे इस साइड यहाँ पर ये कौन सा प्लेन है, वाई जेड प्लेन, ये जेड एक्सेस है ना, तो ये यहाँ पर वाई जेड प्लेन है, तो वाई जेड के पैरेलल ये वाला प्लेन हो गया। इस साइड कौन सा आएगा, ये इधर एक्स एक्सेस है, तो एक्स जेड प्लेन के पैरेलल ये वाला फेस आ गया इसका। और ये जो फेस है ये किसके पैरेलल है, वाई एक्स या एक्स वाई प्लेन के पैरेलल। तो इस तरीके से क्यूब को रखा हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड में। अब हमें इसके थ्रू फ्लक्स बताना है कि फ्लक्स की वैल्यू इसके थ्रू कितनी होगी। तो बच्चों यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये दी हुई है हमें अलॉन्ग एक्स एक्सेस। तो इधर से फ्लक्स यहाँ पर देखें कि इस फेस के थ्रू फ्लक्स और इस फेस के थ्रू फ्लक्स। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स इधर से एंटर कर रही हैं और इधर से एग्जिट कर रही हैं। तो जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर से एंटर करेगी उतनी इधर से एग्जिट कर, बस इसको लिख लेते हैं हम यहाँ पर। तो यहाँ पे क्या होगा, जो नेट फ्लक्स है, नेट फ्लक्स की वैल्यू हो जाएगी 0, ठीक है। फाइ इज इक्वल टू आ जाएगा यहाँ पर 0, किस लिए आएगा उसका रीज़न लिख देते हैं हम। तो बच्चों यहाँ पर ये हमें समझ में आ गया कि क्यूब के थ्रू जो नेट फ्लक्स है वो 0 है, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो एंटर कर रही हैं उतना ही नंबर एग्जिट कर रहा है क्यूब से, इसलिए जो नेट फ्लक्स है 0 होगा। या हम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि इस वाले फेस के लिए, यहाँ पर इधर इस वाले फेस के लिए जो थीटा की वैल्यू है वो 0 डिग्री है, मीन्स एरिया वेक्टर भी इधर ही और इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर ही। तो इस वाले साइड के लिए थीटा की वैल्यू 0, और इस वाली साइड के लिए जो एरिया वेक्टर है वो इस डायरेक्शन में आएगा सरफेस के परपेंडिकुलर, तो इधर थीटा की वैल्यू 180 डिग्री आ जाएगी। तो मीन्स इधर पॉजिटिव वैल्यू, इधर ये नेगेटिव वैल्यू फ्लक्स की, तो इसलिए नेट फ्लक्स 0 आ जाता है। तो हम ऐसे भी बोल सकते हैं या जस्ट हम ये लिख सकते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स एंटरिंग द क्यूब इज सेम एज फील्ड लाइन्स कमिंग आउट ऑफ द क्यूब, तो इसलिए नेट फ्लक्स यहाँ पर 0 हो जाता है। तो ये हो गया बच्चों क्वेश्चन नंबर 16। अब देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 17। केयरफुल मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ अ ब्लैक बॉक्स इंडिकेट्स दैट द नेट आउटवर्ड फ्लक्स टू द सरफेस ऑफ द बॉक्स इज 8.0 × 10^3 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। बच्चों यहाँ पर हमें फ्लक्स की वैल्यू गिवन है थ्रू अ बॉक्स, ठीक है, तो वो हम नोट कर लेते हैं। यहाँ हमें गिवन है फ्लक्स फाइ इज इक्वल टू 8 × 10^3 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम।
ये वैल्यू हमें गिवन है फ्लक्स की, एक ब्लैक बॉक्स है जिसके सरफेस के थ्रू इतना फ्लक्स है। अब हमको यहाँ ए पार्ट में क्या फाइंड करना है बच्चों, ए पार्ट में हमको फाइंड करना है व्हाट इज़ द नेट चार्ज इनसाइड द बॉक्स। हमको नेट चार्ज फाइंड करना है यहाँ पर, मींस क्यू की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो फॉर्मूला क्या है हमारे पास, ये है फॉर्मूला फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इस तो इसकी हेल्प से हम क्यू की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो क्यू इज इक्वल टू फाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पर हमें ये पता है कि फाई है 8 × 10³। और ये क्या है बच्चों, ये है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस की वैल्यू कितनी होती है, 8.85 × 10⁻¹². अब इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 8 से इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 7080, ये वैल्यू आ जाएगी। और यहाँ पर ये पॉइंट आ जाएगा और 10⁻¹⁹, ये आ जाएगा। अब इसको बच्चों हम इस तरीके से लिख सकते हैं, 0.07 × 10⁻⁶, ऐसे लिख सकते हैं हम इसको। तो अब यहाँ पर ये वैल्यू हो गई 0.07 µC, ये 10⁻⁶ जो है इसको हमने माइक्रोकूलम के टर्म में लिख दिया है। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे पास Q की वैल्यू आ गई, ये आंसर आ गया ए पार्ट का। अब देखते हैं हम बी पार्ट। बी पार्ट है, इफ़ द नेट आउटवर्ड फ्लक्स थ्रू द सरफेस ऑफ द बॉक्स वर जीरो, कुड यू कंक्लूड दैट देयर वर नो चार्ज इनसाइड द बॉक्स, व्हाई और व्हाई नॉट। बच्चों यहाँ पर हमें ये बताना है कि अगर नेट आउटवर्ड फ्लक्स जो है सरफेस के थ्रू वो ज़ीरो हो, तो क्या हम ये बोल सकते हैं कि कोई चार्ज ही नहीं है बॉक्स के अंदर। और इसको हमें एक्सप्लेन करना है कि नेट फ्लक्स जो है, नेट आउटवर्ड फ्लक्स अगर वो ज़ीरो है, तो क्या हम ये कहेंगे कि चार्ज भी ज़ीरो है इनसाइड द बॉक्स। तो बच्चों यहाँ पर हम इसको थोड़ा समझ लेते हैं कि सपोज़ ये है यहाँ पर बॉक्स, ऐसे हमने ये क्यूब शेप में बॉक्स ले लिया है। अब इसके थ्रू फ्लक्स ज़ीरो होने की कंडीशन क्या है कि कोई चार्ज ही ना हो अंदर। एक कंडीशन तो ये हो गई कि क्यू की वैल्यू ज़ीरो है तो फ्लक्स ज़ीरो है। अब ऐसा भी तो हो सकता है कि जितना इसके अंदर पॉजिटिव चार्ज हो उतना ही इसके अंदर नेगेटिव चार्ज हो। इस कंडीशन में क्या होगा, क्यू नेट की वैल्यू हो जाएगी ज़ीरो। तो अब नेट चार्ज जो है वो क्या आ गया, ज़ीरो। तो अगर ऐसे क्यूब के अंदर नेट चार्ज ज़ीरो होगा तो भी जो आउटवर्ड फ्लक्स है वो ज़ीरो होगा बच्चों। ठीक है, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अगर फ्लक्स ज़ीरो है तो हम बोल दें इसमें चार्ज ही नहीं है। चार्ज इक्वल एंड अपोजिट ऐसे भी हो सकता है। तो इसको लिख लेते हैं हम यहाँ पर। तो बच्चों यहाँ पर हमने ये लिख लिया है, नो इट कैन नॉट बी सेड सो। ठीक है, हम ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि जो फ्लक्स है वो तब भी ज़ीरो हो सकता है जब इसके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज इक्वल हो। मींस नेट चार्ज इनसाइड द बॉक्स ज़ीरो होगा तो भी फ्लक्स ज़ीरो होगा। तो ये आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन नंबर 17। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18, अ पॉइंट चार्ज +10 µC इज अ डिस्टेंस 5 cm डायरेक्टली अबव द सेंटर ऑफ अ स्क्वायर ऑफ साइड 10 cm एज शोन इन फिगर। यहाँ फिगर में हम देख सकते हैं कि हमें ये स्क्वायर गिवन है, इस स्क्वायर की साइड है 10 cm और यहाँ इसके सेंटर से जस्ट 5 cm अबव एक यहाँ पर पॉइंट चार्ज है। मीन्स जैसे ये यहाँ पर स्क्वायर है तो इस तरीके से ये ऊपर 5 cm की डिस्टेंस पर एक यहाँ पर पॉइंट चार्ज रखा हुआ है 10 µC का, पॉजिटिव चार्ज है ये। वॉट इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द स्क्वायर। अब हमें यहाँ इस स्क्वायर के थ्रू फ्लक्स जो है वो फाइंड करना है। ठीक है, तो देखते हैं सॉल्यूशन इसका। यहाँ पर हमको इस तरीके से ये एक स्क्वायर गिवन है और इस स्क्वायर से 5 cm की हाइट पर ऐसे ये एक पॉइंट चार्ज रखा हुआ है 10 µC का। ठीक है, अब हमको इस स्क्वायर के थ्रू जिसकी साइड है 10 cm इसके थ्रू फ्लक्स हमें बताना है कि कितना होगा। ये एक शीट यहाँ स्क्वायर की है, ये है सपोज, और इसके ऊपर यहाँ कुछ हाइट पर ये इससे चार्ज है, तो
तो हर तरफ से हम इसको कवर कर देंगे, बाय सिमेट्री हम चार्ज को एनक्लोज कर देंगे। तो यहाँ इस साइड एक ही है ऐसे ही, और इस साइड भी एक फेस ले लिया, इस साइड फेस ले लिया, और ऐसे ही हम यहाँ पर ऐसे ऊपर की तरफ ये फेस ले लेंगे, और यहाँ तो ये है ही, तो ऐसे क्या बन जाएगा, ये एक क्यूब बन जाएगा इस तरह का, जिसके अंदर सेंटर में चार्ज रखा हुआ है, और हर एक साइड इसकी ये 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर है, ये भी 10 है, ये भी 10 है, और इधर ये भी 10 है, तो इस तरह से एक ये क्यूब बन जाएगा। अब हमें पता है फॉर्मूला फ्लक्स के लिए, कि फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, फ्लक्स का फॉर्मूला फाई इज इक्वल टू होता है क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये पूरे क्यूब के थ्रू फ्लक्स होगा। अगर इसके अंदर ये 10 माइक्रो कूलम का चार्ज रखा है सपोज इस क्यूब के अंदर, तो इस पूरे क्यूब के थ्रू इतना फ्लक्स होगा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। हमें बताना है सिर्फ इसी वाली, ये वाला जो फेस है इसके थ्रू ही हमें बताना है फ्लक्स, तो इसलिए इस फेस के थ्रू जो फ्लक्स होगा उसको हम कैसे लिख देंगे, सरफेस के थ्रू जो फ्लक्स है वो कितना हो जाएगा, फाई इज इक्वल टू 1/6 ऑफ टोटल फ्लक्स। अब ये 1/6 कैसे हुआ, यहाँ 4 तो ऐसे हो गई, ये 1 2 3 4 फोर फेस तो ऐसे हो गए, एक ये और एक ये, टोटल कितनी हो गई 6, तो एक के थ्रू कितना फ्लक्स जाएगा टोटल का 1/6, और टोटल कितना होता है क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो इसलिए एक फेस के थ्रू कितना हो जाएगा उसका 1/6 हो जाएगा। बस अब हम यहाँ पर वैल्यूज़ रख लेंगे और इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, तो ये तो 1/6 हो गया। यहाँ पर क्यू की वैल्यू, हमको क्यू दिया हुआ है 10 माइक्रो कूलम, ये है ना क्यू की वैल्यू हमारे पास, इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं कूलम में, तो 10 × 10⁻⁶ कूलम ये लिख लिया, और यहाँ एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू ये हो गई 8.85 × 10⁻½। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, तो यहाँ जब हम इसे कैलकुलेट करते हैं तो कैलकुलेट करके हमारे पास ये वैल्यू आ जाती है 1.88 × 10⁵, और क्या है ये फ्लक्स है, फ्लक्स की वैल्यू आई है, मींस यूनिट क्या लिखेंगे हम, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम ये लिख देंगे, तो ये आंसर आ जाएगा हमारे पास इसका।